दिस थिंग दैट वी कम इन इज वाज नीडेड, बहुत जरूरत थी, क्योंकि मीरा रोड में ऐसा कुछ नहीं था और हमारे को कभी या तो थाना जाना पड़ता था या बोरेवली बियॉन्ड जाना पड़ता था, दैट इज द ओनली प्लेस आई यूज टू ट्रैवल। बट अभी ऐसा कुछ हो गया था, गॉट टू डॉटर्स माशाल्लाह एंड देन इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू टू एंड द वाइब इज ऑल्सो वेरी गुड, रेस्टोरेंट है ऊपर विच इज गुड, प्ले एरिया इज वेरी नीट एंड क्लीन, आई थिंक द स्टाफ इज ऑल्सो वेरी गुड, दे आर वेल ट्रेन एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड माशाल्लाह। अब आई थिंक चार्जेस ज्यादा होने का रीजन है बिकॉज द सर्विस इज बेटर, अगर कम चीजें होती तो दो चार्जेस कम होते हैं, दिस इज व्हाट नॉर्मली पीपल डू, बट यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें टू एक्सप्लोर और बच्चों को एक बार छोड़ देंगे तो वो टाइम का टेंशन नहीं रहेगा, सो इट इज गुड दैट द चार्जेस आर लिटिल हायर बिकॉज द थिंग्स आर ऑल्सो नाइस। काफी जगहों पे ये सारी चीज नहीं है, जो न्यू चीजें हैं जो हमारे को यहाँ पे देखने मिल रही है, हम लोग काफी अलग अलग प्ले एरियाज में जाते हैं जैसे बच्चा पार्टी हो गया वगैरह, वहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है, तो दिस इज समथिंग विच इज न्यू एंड इनोवेटिव। मेरे हिसाब से बच्चे जो होते हैं वो किनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, उनको करके चीजें सीखने ज्यादा मजा आता है और स्क्रीन टाइम जितना कम हो बच्चे को वो बेटर है, तो आई थिंक नाउ आई विल बी वेरी रेगुलर वंस अ वीक। आई थिंक यहाँ लाके एक्सप्लोर करना चाहिए, यू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ योर चाइल्ड, जो हम लोग घर में बच्चों को नहीं देख पाते वो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे को यहाँ पे आके पता चलता है कि बच्चों को ये भी आता है करने के लिए, सो आई थिंक इट्स अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक बॉन्ड बन जाता है बच्चे के साथ विच इज अ बेटर थिंग टू डू। सिर्फ स्क्रीन के सामने बच्चा रहता है तो आपके साथ वो बॉन्ड नहीं बनता है, नो यू सिर्फ घर पे, यहाँ पे आके यू कम विद द किड एंड यू एक्सप्लोर थिंग्स विद द किड, आप भी एक बच्चा बन जाते हो। यहाँ पर एक्चुअली मीरा रोड में मैं ऐसा कुछ चाहती थी बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता था मैक्सिस मॉल इंफिनिटी, बट पहली बार जब मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट देखा तो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ अपने मीरा रोड में ऐसा कुछ आया है, दैट्स व्हाई मैं फर्स्ट टाइम अभी लेकर जा रही हूँ और देखने में काफी अच्छा लग रहा है, लेट्स सी कि कैसा लगेगा अंदर ले जाके मेरे बेबी को, आई होप ये शी विल एंजॉय इट। मतलब ताई ऐसा प्ले जोन मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पर देखा है और मुझे देखने में काफी अट्रैक्टिव, काफी अच्छा लगा ये। फिजिकल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की चाइल्ड ग्रोथ के लिए, इंपॉर्टेंट होता है इवन बच्चे का ग्रोथ, आई मीन बच्चे लोग के साथ फिजिकल एक्टिविटीज खेलने से ही होता है और इवन सोशल एक्टिविटीज भी होती है और इवन जो शाइनेस है वो भी रिकवर होता है बेसिकली, और बच्चे के लिए अच्छा रहता है।